सो गाइज, रिलेशनशिप्स इन मेडिकल कॉलेज, तो लोग सोच कर तो बहुत कुछ आते हैं, स्पेशली लड़के, कि जाते के साथ लड़की पट जाएगी, MBBS में चले गए तो तुरंत से लड़की पटा लेंगे, कोई भी गर्लफ्रेंड बन जाएगी एंड बहुत अच्छा लाइफ चलेगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी. तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत ही कम परसेंटेज वाले लोगों के साथ होता है, मतलब जो बहुत लकी होते हैं. नहीं तो मोस्टली यू हैव टू वेट या फिर फाइनल ईयर तो कुछ नहीं होता है. एंड सबसे फनी बात की जैसे आप लोगों को कोचिंग में सर लोग बोलते हैं कि एक बार मतलब नीट क्रैक कर लोगे तो ऐशी ऐशे तुरंत लड़की पड़ जाएगी, वैसे ही सेम चीज यहाँ भी होता है. सब लोग यही बोलते हैं कि अभी भी पढ़ो, नीट PG क्रैक करो, तब तो आराम से लड़की मिल जाएगी. एंड सबसे मेन बात कि MBBS में इतना पढ़ना ही होता है कि कहाँ से रिलेशनशिप हैंडल होगा. आज जिसका ब्रेकअप होता है, कल उसका पैचअप होता है, एकदम टेंशन लगा रहता है. इससे अच्छा तो पढ़ाई पे ध्यान दो, सबसे अच्छा नीट PG क्रैक करो, अच्छे घर में रिश्ता लगेगा, अच्छे घर में शादी हो जाएगी. रिलेशनशिप के चक्कर में पढ़ोगे तो एग्जाम भी खराब जाएगा, PG भी क्रैक नहीं होगा. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज. किस्मत अच्छा हुआ तो यू विल गेट अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और अदरवाइज क्या ही पढ़ा है, शादी तो हो गई.